आखिर यूपी और बिहार में ऐसा क्या हुआ कि अचानक वहां का तापमान बढ़ने से 100 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? क्या है हीट वेव के पीछे का सच? दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2024 अब तक का सबसे गर्मी वाला साल रहने वाला है, जिसके परिणाम हमें अभी से यूपी और बिहार में दिखने को मिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है एल नीनो। दरअसल एल नीनो मौसम की एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रहने वाला गर्म सतह का पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है, जिससे भारत के मौसम पर असर पड़ता है और ऐसी स्थिति में भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सूखे के हालात भी बनने लगते हैं। यही नहीं, भारत में पिछले 100 सालों में 13 बार एल नीनो की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी की वजह से हमारे जीवन पर इसका कितना असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 8 ऐसे चिरंजीवी जो लाखों करोड़ों सालों से कभी मरे ही नहीं और आज तक जिंदा है और धरती पे विचरण कर रहे हैं, कौन से हैं वो 8 चिरंजीवी? चलिए जानते हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार किसी श्राप या वरदान की वजह से ये चिरंजीवी कभी नहीं मरते। उन 8 चिरंजीवियों में से सबसे पहले हैं अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर सदा भटकने का श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने पांडवों के पुत्रों को छल से मारा था। दूसरे नंबर पर है हनुमान जी। जब माता सीता को मिलने हनुमान जी रावण की लंका गए थे तो उनकी भक्ति को देखकर मां सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तीसरे नंबर पर है परशुराम, जिनकी तपस्या को देखकर शिव जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। चौथे नंबर पर है विभीषण, रामायण में प्रभु श्री राम का साथ देने पर उन्होंने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। पांचवे नंबर पर है कृपाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे और उन्होंने अपने तपस्या के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान पाया था। छठे नंबर पर है राजा बलि, जो भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी थी तो राजा बलि ने 3रा कदम अपने सिर पर रखवाकर उसे भी भगवान विष्णु को दान में दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। सातवें नंबर पर है वेदव्यास, 4 वेदों और 18 पुराणों का निर्माण करने वाले वेदव्यास भी एक चिरंजीवी हैं। और आठवें नंबर पर आते हैं मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने शिवजी की तपस्या से यम को भी खाली हाथ भेजा था, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक इन 8 चिरंजीवियों के बारे में जानते थे और आपका सबसे पसंदीदा चिरंजीवी कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदू मंदिर बनवाया था और वो भी हनुमान जी का मंदिर? कौन सा है ये मंदिर और ये मंदिर इतना फेमस क्यों है? ये मंदिर है लखनऊ के अलीगंज में स्थित हनुमान जी का मंदिर। दरअसल लखनऊ की एक मशहूर बेगम, जिनके नाम पर अलीगंज शहर बसाया गया था, उनका नाम था जनाबे आलिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार हनुमान जी ने उनके सपनों में दर्शन दिए और उन्होंने उस मुस्लिम महिला को एक जगह पर खुदाई करने को कहा। हनुमान जी ने कहा कि वहां पर मेरी मूर्ति निकलेगी। जब बेगम ने वहां पर खुदाई करवाई तो वहां सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली और फिर उस मूर्ति को निकाल कर स्थापित करवाया गया और वहां पर मंदिर बनवाया गया और उन्होंने मंदिर के शिखर पर चांद भी लगवाया। हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगलवार के दिन ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, जिसका नाम उन्होंने मंगलू नवाब रखा और इसी वजह से वहां पर एक परंपरा शुरू की गई। वहां के हर ज्येष्ठ मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है और पूरे शहर में भंडारे लगवाए जाते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक इस हनुमान जी के मंदिर के बारे में आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।